I look it so unlucky? Meaning, my name is Ketan Katori, and my dear best friend, he's selling this chaat pakodi. Didi. Oh, hello. Didi, suno na. आप हमारे साथ एक बार बिना मेकअप के चलो ना स्कूल में. But why? Why am I not coming with makeup? हमारे जो मास्टर जी है ना, वो हमें डंडे से डराते हैं. और जब हम आपको उन्हें बिना मेकअप के दिखाएंगे तो वो खुद ही डर जाएंगे. डराऊं? तुम्हें डराऊं यहाँ पे? बेटा पापा की लैंग्वेज में बोलू ना तो ऐसे एक को लगाओगे ना सारे के सारे ये भी बिखर जाओगे. दिमाग मत खराब करो मेरा, सीधे सीधे बोलो यहाँ पे क्यों आए हो. अरे जाओ जाके किचन में ना जाके खाने बनाओ. पता हमें कितनी जोर से भूख लग रही है. अरे हमारे पेट में चूहे ऐसे पता कबड्डी खेल रहे हैं. हाँ दीदी. और हाँ मेरा चल के होमवर्क करा दो ना. और हाँ मैं ना अभी अभी क्रिकेट खेल के आया हूँ तो मुझे ना मेरे बाल ना बिल्कुल धूल मिट्टी से ऐसे गंदे हो गए. तो एक काम करो मुझे अच्छे से नहला दो. घिस 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 दो. But you're telling me one thing, that why am I doing this for you, huh? अरे क्यों नहीं, आप हमारे दीदी और आपकी शादी हो गई है तो. अरे कहाँ आएगा, कहाँ तो कर रही है बेटा. जले पकड़ पकड़ आराम से पकड़ आराम से बेटा. अरे जले बेटा पकड़ो पकड़ो आराम से. ना 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 बेटा इन्हें संभाल ले ना दीदी तुम्हारी. जे ले बेटा केट जे तुम्हारे तीनों भाई हैं ठीक है. मदर मी नोइंग दैट दिस इज माय भैया बट व्हाई यू गिविंग इट टू मी, मतलब मुझे क्यों दे रहे हो इनको. बेटा ऐसो है इन तीनों की जिम्मेदारी तुम्हें उठानी है. अभी देखो अचानक को ना अचानक से पॉटी लग जाए तो कौन साफ करे हमारी केट बिटिया. रोचक को भी सूजू लगे बाकी लंगुटिया खोल के लंगुटिया पहनाए दियो ठीक है. और जो हमारी जो रोचक है ना आ उन्हें दूध पिला दे. हाँ तो दूध गर्म करके डब्बा में ठंडो करके फिर पबाई दियो ठीक है. सुनो बेटा लोरी गाय की सुनाइयो. हाँ बिस्सोई नहीं पाते हैं. बट मदर व्हाई मी डूइंग दिस. डूइंग डूइंग का होता है बेटा. देखो अब तो तुम्हें सब सब कुछ करने पड़े. कैसे तुम हमारी बिटिया ना हो पराओ धन हो गई हो ठीक है. अब तुम चाट पकौड़ी वाली की बीबी हो. जो तो तुम्हें करने पड़े अगर इतने रहने हैं तो सब करने पड़ेगा. मम्मी आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, मैं बता रही हूँ आपको. ऐसा है बेटा हमारे सामने तुम्हारे पापा की ना टिकी तुम्हारी का टिके. अब सिर्फ तीन बच्चन की जिम्मेदारी ना है बल्कि सब आठ ठैयन के हर साइज के बच्चन की जिम्मेदारी तुम्हारी. सबको नहलाए बो खवाए बो टिफिन बनाए बो सब तुम्हें करने हैं. But why, mother, why me doing this? देखो बेटा ऐसो है फ्यूचर में तुम्हारे बच्चा पैदा हुए हैं ठीक है. बेचिचिया ही है रोई है तुम क्या करे हो. सबकी जिम्मेदारी हमारी खुपड़िया पे मर दी है तो हम दे चाह रही है. हाँ तुम्हारी आदत अभी से हम प्रैक्टिस तुम्हारी करवाए दे. हाँ तुम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंस हो जाओ. तुम्हारा जो प्रैक्टिकल चल रहा है बेटा आँख ना निकालो. हाथ चलाओ मुंह चलाओ लोरी गाओ बच्चन को सुबाए दियो. सुनो हमारे राने चाय बनाई दियो और साथ में चाट पकौड़ी ठीक है. मतलब ना ना बेटा मुंह चलाओ लोरी सुनाओ. एक बच्चा तो पकड़ लो मम्मी. बेटा लोरी सुनाए दियो. दीदी एक काम करो आप मेकअप धो दो और मुझे ना रगड़ रगड़ के ऐसे ऐसे बाल धुलवा दो प्लीज. चलो जल्दी चलो. दीदी मेरा होमवर्क भी करा दो ना प्लीज. हाँ आ जाओ किचन में जाओ पिल्ला ने खाना बनाओ. पीले बेबी पीले यार छोटू पीलो दूध पीलो. दूसरे भाई के पास जाएंगे दूसरे भाई के पास जाएंगे. क्यों हो गया रोई रोई कर रहे हैं. छोटू नोटी बहुत नोटी ने पोटी कर दी. Ah!
क्या हुआ मैडम? मैं तो बनाया ढंग से बनाना। नमक नमक। अरे हाँ मैडम। इतने दो पैसा हमें। अरे क्या करवा रही मैडम, मेरे तो सामान ही करवा दिया। पैसा नहीं रहेगा, फुकट में दे रहा। बटर तो लगाओ। उल्टो कर रही है, उल्टो। ये अच्छा, ये बहुत सारे बटर है, ये वाले दोनों मैं लूंगा। ठीक है, नहीं नहीं वो मैं लूंगा प्लीज। अरे बटर मैंने बोला ना यार, मैंने बोला यार, चाट पकौड़ी दही पूरी पानी पूरी सूखी पूरी, बताइए क्या लगा दो, सब एक नंबर है, 25 के अंदर। आइए बहन जी, आइए। प्लीज नॉट बहन जी, मीचा फ्रेंड जी। कैट कैट, तुम यार, तुम कैट से कटोरी कैसे बन गई? डोंट कॉल मी कटोरी। यू नो व्हाट कमलेश, दिस इज हैपनिंग बिकॉज़ ऑफ यू, योर घटिया आईडिया, योर सादिक आईडिया, योर आईडिया इज सो बैड दैट यू नो इट इज बैकफायरिंग। बैकफायरिंग मतलब पीछे की आग। एग्जैक्टली और इतनी गंदी आग है जिससे मेरी पूरी जिंदगी के अंदर आग लगा दी है। सॉरी यार कैट, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं यार, पक गया हूं मैं भी। कमलेश तुम पक गए हो या मैं बच्चे संभाल संभाल के थक गई हूं, कोई मुझे धक्के मार रहा है, कोई मेरे मुंह पे सूसू कर रहा है। कमलेश यू आर रनिंग अवे। रनिंग यार, भागने से क्या होगा बताओ। नो कमलेश, you running away, me telling everybody inside outside that you know my husband is a very big runner. Big runner matlab bada wala bhagoda. Me telling everybody that my husband, he is a big time bhagoda, he is bewafa bhagoda, he is running bhag gaya. Cat, yes, your idea is good, amazing, perfect. Yaar main bhi na, meri shakal bhi chaat pakode jaise ho gayi kaam kar ke. Also meeting here and there out coming, please get me to me. यार यही सब चल रहा है, me impress your idea. Yes yes cat. भाई नमक चाट अभी नहीं मिलेगा, नमक चाट. दिल्ली में ना फर्रा फट. वाह वाह क्या चल रहा है? आई हमारे कौवा कौवन की जोड़ी गधे गधेयन की जोड़ी कब से बन गई? You grandma, to my cat से too much काम करवाया आपने? हाँ. इतना सारा काम करवा रहे हो आप cat से? What grandmother, me and my husband is very much upsetting from you. ऊपर से आप इतना ज़्यादा काम करा रहे हो कमलेश से, यहाँ पे मतलब ये water balls बिकवा रहे हो उससे, थक गया बेचारा। water ball, हमें तो लग रहा हूँ कि गोलगप्पे बेच रहे हो। अरे माँ, गोलगप्पे ही बोलते हैं water ball को। बहुत बढ़िया नाम धरो है,
अब से हम भी चाट वाले को कहेंगे कि भाई हमें भी बटर बाल खिला। खैर माननो पड़ेगो, तुम दोनों ने जो भी काम दो सब बहुत बढ़िया करो। जय के लाने, तुम दोनों के लाने एक प्यार भरो सरप्राइज है गो। प्यार भरो सरप्राइज? व्हाट सरप्राइज? अरे बता देंगे तो गुइया सरप्राइज रहेगा। चलो अम्मा ये संगे है ना, ये क्या कर रहा है देख ले बे, घर जाके टिका। हाँ। नास पीटे नहीं। चलो प्लीज कमिंग सरप्राइज, ध्यान रखे पेल के का पेल के। हां ध्यान रखता हूं ना। जेलियो आई गई कौवन की जोड़ी। मम्मी मम्मी लो, व्हाट डू यू मीन कौवन की जोड़ी? मी वाइफ एंड दिस इज माय हस्बैंड। क्या बोल रहे हो? Me is wife and you are my husband. Oh yes, yes, get your right. अरे किसकी बर्बादी करवा रहे हो आप? मतलब शादी किसकी हो रही है शादी? और किसकी? कौवा कौवी की, तुम दोनों की सभी के सामने है, बधाई हो। But grandmother meaning Kate and Kamlesh wedding तो happening ना? Kate wed Kamlesh हो गया already. बेटा बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के बगैर शादी शादी नहीं होती, इसलिए आज तुम लोगों की शादी फिर से होने वाली है। हाउ हाउ, और वैसे भी तुम लोगों ने बढ़िया से अच्छे से साबित कर दो कि तुम्हारे आत्मनिर्भर हो। और कमलेश ने जे साबित कर दो कि बिल्कुल कमाऊ पति है, एकदम परफेक्ट है। कहे अरे तो बिटिया ने भी तो साबित कर दो कि भाई एक नंबर की भाई बनेगी। नहीं असल में बिटिया ने जो साबित कर दो है कि शादी के बाद एक बढ़िया तुम से भी अच्छी ससुर मम्मी बनेगी। हाँ हाँ। जय के लाने, हमने सोचो है कि तुम सबके सामने फेरे लोगे तो असलियत सामने आ जाएगी। हैंजी 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 बढ़िया बढ़िया का बढ़िया। अम्मा को तो भाने नहीं। अरे अम्मा जो कहना चाह रही कि भैया एक बार उनकी आंखने के सामने शादी हो जाए, मतलब भी देख ले तो उनके सामने फेरे हो जाए, तसल्ली सारो बहुत बड़ी है। हाँ। और बेटा देखो तुम्हारी बाइक भी लेके आया हूँ, शादी करो और बहू को बाइक पे बिठा के घर ले जाओ। पर रोलो। अरे दरोगा जी। हाँ जल्दी कीजिए ना, मुझे और शादी निपटाना है, हद है, लेट हो रहा है। ठहर जाओ ना ससुर, करा रहे इतने काहे मरे जा रहे, चाय बिस्किट भी आ रही, तसल्ली रखो। अरे ऐसे कैसे शादी करवा रहे हैं? अभी तुमने शादी के कपड़े तक नहीं पहन रखे, शादी करवा रहे हैं? हाँ, exactly. अब तो हम कौन से सजे धजे, हम भी तो एकदम सिंपल हैंगे। हाँ, वो जमानो गो, कपड़ा लत्ता फैशन ही आजकल शादी में। देखो कपड़ा हमने पहने का। भावनाएं भावनाएं अगर जुड़ी हैं और मन सच्चू है, देख इतने चले जा फटाफट। हाँ पापा पता है, मैंने तो एक दूल्हे को देखा तू कच्ची में फेरे ले रहा हुआ तू फू। जाके कपड़ा उतार दे का? क्या कहना चाह रहे हो पालतू की बातें, जो पहने हैं बढ़िया है। अरे दरोगा जी। हाँ। अरे कच्छों से बाहर निकलो, शादी करवाओ, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। तुम काहे मरे जा रहे हो? पंडित जी शादी का शुभ मुहूर्त इतना छोटा क्यों होता है? और ये शादी का शुभ मुहूर्त होता क्यों है? और अगर होता है तो आप उसको थोड़ी देर के लिए रोक नहीं सकते क्या? रोक लो ना यार। तो पंडित जी आप कैसे पंडित हो? अरे एक मुहूर्त को ना रोक के रख सकती हो? अच्छे से पकड़ के रखो बाको। हाँ। भागो जाते है वो। अरे यार, अरे दरोगा जी बस बकवास करवा लो, यहाँ नहीं कहीं और करवा लो। अगर मर्जी है ना बकवास करने की तो किसी और दिन घर पे बुलाओ ना, अपने चिड़ियाघर के जानवर के साथ बैठना, फिर बकवास करेंगे और चाय बिस्किट भी खाएंगे। हम जा रहे हैं, अब शादी नहीं करवानी तो हम जा रहे हैं। अरे ना 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 भाई, चाय बिस्किट आएगा। ज्यादा उंगलियां ना करो पंडित जी को, तुम बहुत उंगलियां कर रहे। अबे आ रहा हूँ, ठहर जाता, शांति शांति बच्चा आए छोटे छोटे। तुम आओ तो तू जल्दी से आग की फिरकी लगाना, हमारे पास भी टाइम ना से ज्यादा। सही बात, मेरी बड़े कलेक्टर गिरी के एग्जाम चल रही है, टाइम ना है, मारी कसरत का टाइम हो रहा से, समझा? हर टाइम पे धमकाई ना करी, चाल लो खड़े ना हमें। तो करवा रहा था कि मैं करवाऊं? हाँ हाँ ओके। अरे दरोगा जी वर वधू को बुलाइए, लेट हो रहा है। पधारो दामाद जी। फादर एक्चुअली। अरे आ जाओ ना तुम, ज्यादा इतना करो, खुशी की टाइम, खुशी खुशी दिखा अंदर से। चलो चलो कमलेश, चलो चलो जल्दी। शादी कर रही है और पहले से दाग धब्बा लगाए हैं। बैठो 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 बैठो, ये लो दोनों अपने हाथ में। हाँ। अरे बिटिया लो जल्दी। अरे बेटा तुम ही लो, अरे जल्दी करो। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनु हरे। अम्मा
जब पंडित सही में शादी तो ना करवाई दी है। अरे तूने चाय बिस्किट टिकाया थे कि ना, जाको कोई भरोसा ना है को। हाँ अब चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ। अरे बिटिया चढ़ाओ ना, चढ़ाओ बिटिया, तुमको अलग से कहना पड़ेगा क्या? चलो फूल चढ़ाओ। अरे चढ़ाओ, मुहूर्त बीता जा रहा है, लेट हो रहा है, ऊपर से चाय मिला नाश्ता ऊपर से इतना लंबा। चलो चलिए अब वर वधू खड़े हो जाइए, फेरे का टाइम आ गया। ये क्या कर रही हो? विदाई में रोते हैं, फेरों में नहीं। हाँ हाँ हमें शादी नहीं करनी है, अगर पंडित जी एक मंत्र और पढ़ाना कसम से सारी लकड़ियां मुंह में घुसेड़ दूंगा। हद है, अब हम क्या कर रहे हैं? आपके माँ बाबू जी बुलाया तो हम आ गए। काई नहीं करनी शादी, बता हमें। Because father, my age is about, you know, jumping and playing, not of doing marriage age. अभी हमारी खेलने कूदने की उम्र है। अच्छा बेटा, अब कई तो तिथि आ रही हो, तुम्हारी शादी हो तो गई है। हाँ। मदर, फादर, ग्रैंड मदर, मुझे आज सबको कुछ बताना है। आई वांटेड टू टेल यू समथिंग दैट मी लाइंग टू यू ऑल, वी नॉट बिकमिंग मैरिड पीपल। शादी नहीं करी हमने। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। कैट कमलेश इज द बेस्ट फ्रेंड ओनली, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप लोग हमें आपस में मिलने नहीं दे रहे थे ना, इसलिए हमने ये नाटक किया। Me knowing that me is very much modern, but you know me can not doing marriage without your permission. मतलब आपकी मर्जी के बगैर मैं कभी शादी नहीं कर सकती हूँ। कैट कैट इट इज यू कैट ओके बट प्लीज सॉरी, आप हम दोनों को माफ कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू हंकी पंकी, हम हंकी पंकी ना होंगे अब। बेटा इतना ड्रामा ना कर, हमें सब असलियत पता है। अरे आओ, रितिक को चमची ने आके बताए दो कि तुम लोग ने शादी को नाटक करो है। जेई के लाने हम सब ने मिलकर जे नाटक रचाओ, लेकिन एक बात तो है, तुम दोनों ने शादी से मना करके जे साबित कर दो कि दोनों का हृदय एकदम साफ है, गो बिल्कुल कांच के जैसे। अम्मा पैसे जाने, गलती तुम्हारे लल्ला की है। अगर वो केट और कमलेश को मिलन देते ना तो ये सब कांड ही ना हो तो कहे। सब थोप दो हमारे ऊपर, और थाने में खुद लेके आ गई थी कौवा को तो। अरे हमने तो चुप रहो, तुम दोनों लड़ना बंद करो, हमारी बात सुनो। देखो आज से केट और कमलेश को मिलने से कोई ना रोकेगा। और सुनो तुम दोनों, ज्यादा खुश ना हो, मान मर्यादा में रहनो पड़ेगा, भूलना ना। ठीक है, नकली सही, लेकिन बड़ा मन था कि केट दीदी की शादी में नाचने का। हमारी किस्मत ना गधे के सींग से बंधी हुई है। अरे यार तू बिल्कुल सही कह रहे हो, अब देखो शादी ना हो रही है, नाचेंगे का? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग, अरे नाचने में वो मजा कहाँ जो किसी को कूटने में। अभी कभी बाहर जाते हैं, कोई ना कोई बदतमीजी करता है, वो मिलेगा उसको पकड़ के कूटते हैं एकदम। अरे ठहर, आज के दिन मारा कूटी की बात ना होगी। ना जाएंगे, गाना लगा दे। गाना लगा? हाँ तो गाना लगेगा, लगा सो सर गवैया, नाचो सारे यारो फोदा कराई हो। अरे दक्षिणा हमारा खुशी को मौको है।